नमस्कार, खबर तहलके टीम मौजूद है सफीदों के वार्ड नंबर 8 में। सामने देख सकते हैं काफी महिलाएं कुर्सियां मौजूद हैं और हमारा जो एक ध्येय है सफीदों की जनता की समस्याएं सुनकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है पार्षद ने, वहां तक उसकी समस्याएं पहुंचाना। और हमारा मकसद ये है कि अल्लाह बोल कौन खोल, उस हेल्पलाइन नंबर में कितनी जान है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, क्या है वो वादे पूरे होते हैं या नहीं होते। हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश हैं भाई, 8 वार्ड से हैं और इनसे जानेंगे सबसे पहले कि कोई समस्या इन्होंने बताई। थोड़ा सा नीचे कर ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा जो कुछ होगा तो सब के लिए हो जो होगा, ठीक है ना। आवाज़ जानी चाहिए खुल के। भाई जगदीश, क्या समस्या बताओ, छोटे बताइए जरा। मारी समस्या ये है, हमारे वार्ड की समस्या ये है कि जो पहले पाकिस्तान से उजड़ कर जो इंडिया में आए थे उनके जमीन भी अलाटमेंट हुई थी और मकान भी अलाटमेंट हुए थे, और जो मुसलमानों के मकान थे वो उनको मकान मिले थे वो, और उनके साथ पहले भी कॉलोनियां बनी हुई थी जो पुराने मकान है, उन जो अलाटमेंट हुए थे उनके उनके भी नोटिस आ गए हैं कि भी ये कमेटी की जमीन है, इसको खाली करो, ये हमारी जमीन है। अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग हमारे माँ बाप दादा परदादा ने मकान बनाए थे जो जो के मारकाट से पहले के बने हुए हैं, मारकाट से पहले के बने हुए हैं, जब अब कमेटी वाले नोटिस भेज दिए SDM ने कि ये जमीन खाली करो कि आप ये अवैध बनी हुई है, ये हमारे दादा परदादा के मकान बनाए हुए हैं और इस वार्ड के अंदर ऐसे मकान है जिनके मतलब जो कई परिवार पाकिस्तान से उजड़ कर इंडिया में आए थे और उनको जमीन भी अलाटमेंट हुई थी और मकान भी अलाटमेंट हुए थे, और आज उन मकानों को कमेटी वाले और सरकार ये कह रही है कि ये मकान आपके, ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन कमेटी की है, नगर पालिका की उसे खाली करने के लिए कहा गया है। उसकी खाली करने के लिए हमारे पास नोटिस आए। कितने दिन की म्याद दी है उसमें? 17 तारीख तक की म्याद दी है, ये 17-1 तक की। अच्छा भाई, 17-1 तक आप एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ता रह गया भाई, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करो। कुछ पहले नोटिस आए थे, उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई कर रखी है, जो कोई प्रूफ दे रखे हैं, हवाला भी दे रखा है, रजिस्ट्रियां भी दे रखी हैं, जो अलाटमेंट लेटर है वो भी दे रखे हैं आप, और जो बिजली बोर्ड का महकमा बनाया हुआ है, दफ्तर बनाया हुआ है, वो 1959 में वो बनना शुरू हुआ था और 1963 में वो चालू है। 1959 से पहले मतलब बिजली बोर्ड का वहाँ बनाया है, जो कि पंचायत ने या बुजुर्गों ने उनको दिया हुआ है। हमने पता, वैसे सूत्रों को वैसे पता लग गया कि बुजुर्गों ने इनको अलॉटमेंट दिया है। जैसे गांवों में जो बिजली घर बनाते हैं तो पंचायत जमीन देती है और उसका कोई पैसा नहीं लेती, और पंचायत जमीन देती है तो पंचायत की जमीन में बिजली घर बनता है जो कि गांव को मतलब सहूलियत हो सके। बात शहर की, बात शहर की जो है सबसे मोटी समस्या ये है कि आज 60-70 साल के बाद आज हमारे पास नोटिस आए कि ये मकान अवैध है। आप पहले तो कमेटी तेन पता कर लो भाई, हम टैक्स कितने दिन तक देने लग रहे हैं, टैक्स भी हम मतलब बिजली के बिल भी टूंटी के बिल। मेरी उम्र आज 58 साल तक टपकी, 59वें साल में लग रहा हूँ मैं तो, 59 साल हो गए इसी मकान में, पहले मेरे माँ बाप रहते थे, आज मैं रहता हूँ, तो 59 साल पहले जो थी 1963 का मेरा जन्म है, 1963 से पहले हमारे माँ बाप रहते थे, उनकी जगह आज हमारे नोटिस ने दाता लाई। आप इस बात को लेकर प्रशासन से सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि आप वो देखा जाए, आप अपने हिसाब से चेक कर लो भाई, यहाँ चेक करके देख लो ये कितने दिन तक बैठे हैं। हम प्रशासन से बात को लेकर क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये जो आप हमारे किए जाए और हमारे को तंग ना किया जाए, ये बार बार वैसे
जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। अगर ये सरकार इस पे नोटिस आप जिसने की सरकार अपने देशों पे कायम रहती है कि हमको नोटिस देंगे नोटिस पे अमल करो तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? तो हाँ हम सारा वार्ड नंबर 8 और 9 आंदोलन करेंगे, SDM के जाएंगे, मुख्यमंत्री के जाएंगे, लड़ेंगे हम। ऐसे पत्रकार साहब लड़ाई करेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। पाकिस्तान की रजिस्ट्री है उसके पास, अच्छा उसके भी नोटिस आ गए तो गुजर गया तुलसीदास तो तेरा तो दादा लग गया वो छोड़ जा पाकिस्तान की रजिस्ट्री उसके पास तो नोटिस आ गया। हम तो ये मांग करते हैं कि ये नोटिस किया जाए जैसे वैसे ही रहने दिए जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार से निकाल तोड़ा जाना चाहिए। ऑटोमेटिक तोड़ा जाए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 8 के अंदर खबर चल रही है और लोगों में काफी रोष है, लोगों का साफ तौर पर कहना चाहिए अगर नगर पालिका ने जो उन्हें मकान खाली करने के नोटिस भेजे हैं अगर वो अगर नोटिस वापस नहीं लिए गए यथास्थिति बनाई गई तो वो आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे अपनी कोई शिकायत खबर को देखने के बाद सरकार और प्रशासन जो नोटिस भेजे गए हैं नगर पालिका सफेदों द्वारा उस पर किस तरह क्या संज्ञान लेती है ये बहुत देखने बड़ा और बहुत बड़ा विषय है क्योंकि दादा लाई जमीने इनकी सालों से यहाँ बैठे हुए हैं और देखना होगा प्रशासन और सरकार इस खबर को देखने के बाद क्या संज्ञान लेती है। तो देख सकते हैं हम गौरव रोहिला की संपर्क अब हुआ है, अब जगदीश भाई बताइए क्या समस्या इनको आपको। गौरव रोहिला लाइन पर है। यहाँ जी वार्ड नंबर 8 और 9 के अंदर जो पहले पाकिस्तान से उधर कर इंडिया में आए, भाई छोटी बात बता दो इनको, इतनी लंबी कहानी ना बनाओ, आप बता दो ये समस्या है ये बता। और हमारे वो उनके सारे के कमेटी ने नोटिस भेजे हैं मेरा नाम ले फांसी रूप दो शाबाश बलडोजर फिरेगा उड़े को ठीक है 9 बजे के बाद मिलते बैठे थे उड़े ठीक है 2 बजे के बाद आप नोटिस दिए हाँ जी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जी 2 बजे के बाद मैं कल आऊँगा टीम आएगी कल हम फिर आएंगे देखेंगे वो क्या करते हैं इस मामले। आप बने रहिए जुड़े रहिए खबर तहलका के लगातार आपको खबर दिखाते रहेंगे इस तरह की जो समस्या है लगातार आपसे रूबरू कराते हैं क्योंकि नगर पालिका चुनाव प्रधान पद का चुनाव है, MC का चुनाव सर पर है, अब देखने लोगों की समस्याओं को कैसे लोगों की समस्याओं से निजात मिलती है। आप जुड़े रहिए बने रहिए खबर तहलका लगातार हम आपको कोई ना कोई नई अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार खबर तहलका से मैं हरीश कुमार सभी वार्ड नंबर 8 से।